अपने जीवन में सफलता, मान सम्मान और यश के साथ साथ आर्थिक परिपूर्णता कौन नहीं चाहता। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने एक ऐसा ग्रह संयोग रचा है जो शायद देव गुरु बृहस्पति के वक्री होने की स्थिति को हमारे जीवन पर ला करके खड़ा कर दिया है। और यही वो स्थिति है जो हमारे जीवन में एक खुशियों का एक अच्छा सौगात देने वाला है। और क्या होगा, कैसे इनके प्रभाव होंगे, इन्हीं बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ही वो देवता बनते हैं जो आपके पंचमाधिपति हैं, आपके पंचमेश हैं, सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं आपके देव गुरु बृहस्पति। और यही 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा, उस दिन से लेकर के 31 दिसंबर सन 2023 तक यही देवगुरु बृहस्पति अपने वक्री स्थिति पर रहेंगे। वक्री होना मतलब उस ग्रह के पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना, वो ग्रह जहाँ बैठे हैं उस भाव का प्रतिफल आपको 3 गुना मिलेगा, और जहाँ पर ये बैठे हैं उसके 1 भाव पीछे का प्रतिफल भी आपको पूर्णता से प्राप्त होगा, आप ये जानिए। यही नहीं, इस समय पर ये जब वक्री स्थिति पर रहेंगे, 1 नहीं 2 नहीं पूरे के पूरे 5 भावों का प्रतिफल आपको प्राप्त होने जा रहा है, और वो कोई सामान्य नहीं, वो शुभता से परिपूर्ण एक समय मान सकते हैं आप, क्योंकि आपके लिए ये सदैव योग कारक हैं जो सदैव आपके जीवन में बढ़ोतरी करेंगे। ठीक, आपने देखा कि वृश्चिक लगन के अनुसार, वृश्चिक राशि के अनुसार ये आपके 6ठे भाव में। हाँ, एक बात आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि भाई मैं इसे लगन के आधार पे देखूं या राशि के अनुसार। बहुत लोग हमको कमेंट करते हैं, सबको उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, तो वीडियो के हम शुरुआत में ही बताते हैं, इसे आपको यदि आपका लग्न ज्ञात है तो इसे आप लग्न के आधार पर देखिए, सटीकता 100% बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है मेरा लग्न कौन सा है, कौन से लग्न में मेरा जन्म हुआ है, उस स्थिति में इसे आप चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं, जो आपकी नाम पड़ती है उसके राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक 6ठे भाव पर देव गुरु बृहस्पति, अब इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना, मतलब 6ठा भाव वो स्थान हो गया जहाँ पर हमारे रोग ऋण शत्रु स्थापित होते हैं, और यहीं पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। पिछले 21 अप्रैल से आपके यहीं पर चल रहे हैं, आपके 6ठे भाव पर रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 5म भाव के स्वामी 6ठे भाव पर आए हैं। परंतु वक्री स्थिति पर आना मतलब उन सब से एक प्रकार से मुक्ति का वातावरण, क्यों, क्योंकि इसी समय पर देव गुरु बृहस्पति आपके 5म भाव का प्रतिफल देंगे जो कि उनका स्वयं का घर है। आप समझिए जरा, यदि आपका चेष्टा बल अपने स्वयं के घर पर आ जाए तो कैसा महसूस करेंगे भाई, उस भाव को आप अच्छा जागृति प्रदान करेंगे। और यही नहीं, जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में होता है मतलब वो उनका ध्यान, उनका सारा आकर्षण उस भाव से हो जाता है, मतलब आपके 5म भाव से। 5म भाव इस भाव के स्वामी हैं, गुरु बृहस्पति हैं। प्रतिफल क्या होगा, प्रतिफल के रूप में सबसे पहले आप समझिए आपके शिक्षा में एक प्रकार से प्रोग्रेस करने का समय है। शिक्षा में जो विद्यार्थी गण हैं उन सबको शिक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आपके कोई संतान हैं तो अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम पर। उनके कैरियर में ग्रोथ के लिए आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि है, आपका लग्न है, और 5म भाव पर गुरुदेव एक से फिर से उस पुनरावृत्ति का एक अवसर आपको देंगे। पुनरावृत्ति किसे कहेंगे, मतलब फिर से वो कार्य आपको करने का अवसर मिलेगा जो शायद आपने नहीं किया था, या आपने किया था लेकिन परिपूर्णता वहां पर प्राप्त नहीं हो पाई थी। 5म भाव हमारे शेयर मार्केट के होते हैं, तो वहां से भी आपको जुड़ना पड़ सकता है, या फिर वहां से जुड़ करके भी आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, ये सब हमारे 5म भाव हैं। 5म भाव के सभी एडवांटेज देखने को मिलेंगे। यदि प्रेम संबंधों में आपको प्रगाढ़ता नहीं दिखती थी, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो या किसी और के साथ प्रेम हो, प्रेम में यदि आपको प्रगाढ़ता नहीं देखने को मिली थी, यहाँ पर वक्री स्थिति में आकर गुरुदेव इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ भाई, आपके आपसी संबंधों में यहाँ पर तनाव दूर होने की संभावना है। और साथ ही साथ इन्हीं देव गुरु बृहस्पति के पास वो पावर है, वो क्षमता है जो आपको प्रारब्ध से फल निकाल करके दे पाए। सभी ग्रहों के पास अपना अपना एक बल होता है। देव गुरु बृहस्पति हमारे प्रारब्ध के देवता भी माने जाते हैं, हमारे आध्यात्मिक देवता माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। और 5म भाव हमारा प्रारब्ध भी है और 5म भाव हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी है। तो इस कारण से इन 118 दिनों में धार्मिक उन्नति भी होगी और साथ में हमारे मनोनुकूल कार्य पूर्ण होंगे। 5म भाव हमारे मन की कामनाएं हैं।
अब यही नहीं, आप सब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। हमने भी बात किया इनके जहां पर ये उपस्थित हैं और जहां पर ये वक्री हो रहे हैं उन भावों का प्रतिफल। अब इनके 3 दृष्टियों को समझिएगा, बारीकियों को समझिएगा कि 5वीं, 7वीं और 9वीं इनके पास दृष्टियां प्राप्त हैं देवगुरु बृहस्पति को। जहां पर बैठेंगे उस भाव को भी जागृत करेंगे, अर्थात जब वक्री स्थिति में आ गए हैं, इनके पास बल बढ़ गया है, तो बड़े मजबूती से आपको प्रतिफल देंगे अपने 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का। 1, 2, 3, 4, 5 इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ रही है, जो आपके दशम भाव पर है, इसका मतलब ये दशम भाव है आपके करियर का। करियर में एक ग्रोथ का वातावरण दिख सकता है, नौकरी इत्यादि में सफलता का वातावरण दिख सकता है। यदि नौकरी में आपको मनोनुकूल पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई है, यदि नौकरी में आपको अपने सम्मानजनक आपको स्थिति प्राप्त नहीं है, या फिर वो सैलरी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि मानी गई है गुरु की। सारे के सारे शुभ परिणाम आपके खाते में ला करके रखेंगे। कुल मिलाकर के कैरियर और नौकरी व्यापार सब के दृष्टिकोण से ये अनुकूल होगा। दशम भाव ही तो वो स्थान है भाई जहां कैरियर और कैरियर ही डिसाइड करेगा कि मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं। और नौकरी के नौकरी भाव पर, छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति तो बैठे ही हैं, तो इस कारण से आपका कोई भी कर्म हो, उन सभी कर्मों में जागृति प्रदान करने का कर्तव्य देव गुरु बृहस्पति के पास है। माना जाता है देव गुरु बृहस्पति जिस भाव पर अपना दृष्टि गोचर करते हैं उस भाव को ये जागृति प्रदान करते हैं, उनके पास गंगा जल के समान दृष्टि होता है। और माना जाता है गुरु जहाँ देखते हैं उस भाव को भी गंगा जल के समान पवित्र करते हैं, और एक गंगा जल का छिड़काव आपके कर्म स्थान पर हो गया है, आपके करियर पर हो गया है। ग्रह गोचर अनुकूल है, प्रयास आपको करना है, कर्म स्थान है, भाग्य के देवता माने गए हैं देव गुरु बृहस्पति को। भाग्य कैसे हमसे दूर हो सकता है जब हमारे कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि है। कर्म स्थान पर भाग्य और हमारा कर्म दोनों मिल गए, आप ये समझिए। एक तो हमने जो मेहनत किया वो हमारा सेल्फ, हमारा कार्य है, और दूसरा ऊपर वाले की कृपा मिल गई, वही तो है हमारा भाग्य। और गुरुदेव आपके दशम भाव को मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनकी 7वीं दृष्टि पर बात करते हैं, तो ये 5वीं, 6वीं, 7वीं। अब 7वीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की जा रही है सीधे आपके द्वादश भाव पर, जो आपके निवेशों का भाव है। यदि आपने कोई निवेश किया है, कहीं पैसा लगाया है, कहीं अपना कर्म लगाया है, क्योंकि जो निवेश होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो हमारे कर्मों का भी होता है। कभी कभी ऐसा दिखता है कि हमने इतने लंबे समय तक कार्य किया है परंतु अभी तक परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। भूलिए मत, वो आपके निवेश हैं, वो आपको प्राप्त होगा। एक गुल्लक हम अपने घर पे रखते हैं, क्या होता है उसमें, एक एक सिक्के उस गुल्लक में हम डालते जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो गुल्लक फूटता है उस दिन हमें कितने सारे धन की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपने कर्तव्य किया है, जो आपने निवेश किया है अपने कर्मों का या पैसों का, उसका प्रतिफल मिलने का एक सुंदर संयोग यहाँ पर बन सकता है। सिर्फ यही नहीं, जो लोग विदेशों में रहते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा विदेश का होता है, उनको भी यहाँ पर अच्छी खासी संभावनाएं, पॉजिटिव संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। छठा भाव हमारा मेहनत है, हमारा कर्म है, हमारे मेहनत का पारिश्रमिक हमारे विधाता हमको प्रदान करेंगे, आप ये जानिए। सिर्फ यही नहीं, ये 12वें भाव तो हो गए, अब इनके पास एक दृष्टि भी बची हुई है गुरु के पास, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं। ये 9वीं दृष्टि जो हमने कहा था वो पहुंच रही है सीधे आपके धन भाव पर, आपके पैसों के भाव पर देव गुरु बृहस्पति का की दृष्टि है, और उस भाव के कारक माने गए हैं देव गुरु बृहस्पति को। अब कोषाध्यक्ष का स्थान होता है देव गुरु बृहस्पति का। दूसरा भाव कहे का होता है, ये आपके बैंक बैलेंस का स्थान होता है, आपके पैसों का भाव होता है। देव गुरु बृहस्पति जब इस भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो आर्थिक समस्याओं से कैसे आपको निदान नहीं कर मिलेगा, आपको कोई ना कोई ऐसी संभावनाएं आपके समक्ष ला करके उपस्थित कर देंगे जो आपको वित्तीय परेशानी से आपको मुक्ति दिला सके। यही वो स्थान है जो बैंक को प्रदर्शित करता है, इसलिए इस समय पर संचित धन भी आपके बढ़ने के योग बन सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे साथ एक कमी क्या है, आपको पता है, हम सभी मानवों की एक कमी होती है कि हम किसी अच्छे बात को विश्वास नहीं कर पाते कि वास्तव में क्या ये हमारे साथ होगा।
यकीन मानिए देव गुरु बृहस्पति अभी अनुकूल हैं। और क्या बोला जाता है, विश्वासम फलदायकम, यदि आपकी निष्ठा प्रबल है, यदि आपका विश्वास प्रबल है, तो वो घटनाएं होकर रहेंगी जो ज्योतिष के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। जहां हमारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाए, जहां डाउट आ जाए, तो ग्रह क्या बोले कि अरे भाई इसे तो स्वयं इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है, तो वो ब्रह्मांड जो आपको बहुत कुछ देना चाहती है वो भी हाथ खींच लेती है। इसलिए ऐसे पॉजिटिव बातों को समझिए और अपने जीवन में इसे सोचिए, हाँ मेरे साथ ऐसा होने वाला है, यकीन मानिए यहाँ पर आपके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। दूसरा घर जो होता है वो आपके कुटुंब का होता है, आपके पारिवारिक जनों का होता है, यहाँ पर भी एक माधुर्य का वातावरण दिख सकता है। आपकी वाणी भाव भी द्वितीय भाव है, गुरु का प्रभाव जहाँ पड़ता है उस भाव को गंगा जल के समान जब हमने बताया पवित्र हो जाता है, तो आपकी वाणी भी पवित्र हो गई ना भाई। किसी कारण से यदि अपने ये लगता था कि मैं अच्छा बोल नहीं पाऊँगा, या फिर मेरे कार्य जहाँ मेरी बात सिर्फ एक चुटकी से एक आवाज़ देने से 10 लोग आते थे, आज मैं चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दे रहा हूँ कोई नहीं आ रहा है, तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए। 118 दिनों तक देव गुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा ही यहाँ पर होगा। वाणी आपके वजन होंगे, वाणी में गुरुत्वाकर्षण होगा। गुरु को हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, गुरु का गुरुत्वाकर्षण, सबसे बड़े ग्रह गुरु माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी इन्हीं गुरु में है। तो ग्रेविटी कहाँ आ गई, आपके वाणी में आ जाएगी, बोल चाल में आ जाएगी। गुरु का ये प्रभाव सदैव ध्यान में रखिएगा, गुरु सदैव के लिए आपकी योग कारक हैं। अच्छा, अब ये समझना है कि शनि, अभी आपने देखा कि शनि भी अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, जो सीधे आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव चल रहे हैं। शनि भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, मतलब वो आपके तीसरे भाव के प्रतिफल देंगे, और यहाँ पर गुरुदेव वक्री चल रहे हैं जो आपके पंचम भाव के परिणाम देंगे। दोनों ग्रहों के संयुक्तिकरण के द्वारा कोई एक भाव तो ऐसा जरूर होगा जो जागृति अवस्था में इस टाइम पर आया हुआ है। क्या होगा उसका प्रतिफल, कौन सी ऐसी एक घटना है जो आपके साथ होगी, क्या प्रतिफल होगा। दोनों ग्रहों के दो मेन ग्रह माने गए हैं, शनि हमारे सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं, उसी प्रकार से गुरु भी हमारे लंबी अवधि मतलब एक वर्ष तक रहने वाले ग्रह हैं। तो मोटी मोटा अभी शनि भी तो यहाँ पर चल रहे हैं भाई वक्री स्थिति में, 4 नवंबर तक रहेंगे, गुरु भी अभी पूरा इस साल के अंत तक रहेंगे, दोनों का क्या प्रतिफल होगा एक वीडियो लेकर के इसके लिए आएंगे हम जरूर। यहाँ पर यदि उस टॉपिक को भी ऐड कर दिया जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं गुरु और शनि के वक्री परिणाम को जानने के लिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें जानकारी हो पाए कि आप भी उस परिणाम को जानने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे, और हम प्रयास क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले हमें सामर्थ्य देते हैं तभी हम बोल पाते हैं, उनकी कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। बोल तो हम रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो श्वास भरते हैं ना, वो वही भगवान हैं। और इसी कारण से एक ज्योतिषी को क्या कहा जाता है, दैवज्ञ कहा जाता है, मतलब उनकी वाणी में देव की वाणी निहित होती है, समाहित होती है। और इसी कारण से एक सच्चा ज्योतिषी वही है जो सही सही आकलन करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। अब उसके लिए ये होगा, इस देव गुरु बृहस्पति को मजबूत कैसे किया जाए, अंतिम पॉइंट है ये, कैसे मजबूत किया जाए। तो देखिए, आपके यदि बर्थ चार्ट में देव गुरु बृहस्पति की अनुकूलता है, यदि गुरु वहां पर नीच के नहीं है, यदि बर्थ चार्ट में गुरु अनुकूल है, तो आपको एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए। पीला पुखराज सदैव आपको उन्नतिदायक होगा, आपके भाग्य में वृद्धि कारक होगा, और सदैव शुभता को आपके जीवन पर ला करके खड़ा कर देगा। यदि किस में बनवाना है, सोने में बनवाना है, और सोना यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है हम सोना धारण कर सकें, उस स्थिति में कहा गया है पीतल में आप पुखराज बनवा सकते हैं। अब भाई पुखराज बहुत महंगा रत्न है, यदि किसी की सामर्थ्य पुखराज पहनने की भी नहीं है तो क्या करें। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो केले पेड़ का जो जड़ होता है, उसको आप गुरुवार के दिन अपने घर ले आइए और ला करके बढ़िया उसमें पूजा कर लीजिए, सिंदूर गुलाल फूल चंदन गुलाल से, और उसमें भगवान के प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, हे गुरुदेव, मैं आपको धारण करता हूँ या धारण करती हूँ, आपके कृपा से मेरे भाग्य सदैव जागृत रहे, मेरे जीवन में कभी कोई बाधा न आने पाए। और ऐसा प्रार्थना करके पीले कपड़े में उसे बांध दीजिए, और अपने पुरुष हैं यदि आप तो अपने दाहिने हाथ में बांधिए, यदि आप महिला हैं तो अपने बाएँ हाथ में बांध दीजिए।
यकीन मानिए ये पुखराज से 10 गुना आपको अधिक प्रतिफल देगा। और कितने का है? मात्र 2 रुपये इसमें खर्च होने हैं, पीले कपड़े का जो खर्चा है और थोड़ा सा आपका मेहनत लगना है उस जड़ को लाने में। माना जाता है कि जब दोनों एक संयुक्त हो जाते हैं, आपका कर्म भी हो गया और भाग्य की जागृति भी हो गई, कैसे आपका भाग्य पिछड़ सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेशन देता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना पारिश्रमिक आपने दे दिया, एक गुरु दक्षिणा आपने दे दिया अपना एक लाइक करके, और हमें सकारात्मकता भी हमारे अंदर जागृत होती है। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।